हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको भी केमिस्ट्री का पेपर देना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को देखेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपका स्टूडेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही होगा, जो उसमें एक्सरसाइज पीछे दिया गया है उससे होगा, और 3 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जो था अगले साल स्टूडेंट जो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए थे, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी, तो आपको वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो 5 इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे पार्ट 2 यानी कि केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या आता है, इस प्रकार का होगा जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपका है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर का है, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए यहाँ पर कुछ यौगिक दिए गए हैं जिनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आपको उन्हें व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, ठीक है, सबसे कम कितना किसका होगा, तो आपको ऐसे व्यवस्थित करना है। तो बढ़ता क्रम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वथनांक का, ठीक है, तो बढ़ता क्रम। अब देखिए बढ़ते क्रम में हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें छोटा वाला लिखना पड़ेगा जिसका सबसे कम क्वथनांक होता है। तो इनमें से सबसे कम क्वथनांक किसका होगा स्टूडेंट, वो होगा क्लोरोमेथेन का, क्लोरोमेथेन, ठीक है, ये सबसे कम क्वथनांक है। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। देखिए इससे ज़्यादा क्वथनांक होगा किसका, ब्रोमोमेथेन का, ये देखिए ब्रोमोमेथेन यहाँ पर है फर्स्ट पर, ठीक है, तो ब्रोमोमेथेन हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब ऐसे ऐसे आपको इसे क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट हम लिखेंगे जो इससे थोड़ा ज़्यादा जिसका क्वथनांक है वो है डाई ब्रोमोमेथेन, डाई ब्रोमोमेथेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा जिसका क्वथनांक है वो है स्टूडेंट ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप एक एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास 4 थे बच्चों, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमेथेन एंड डाई ब्रोमोमेथेन। तो इसको आपको अगर बढ़ता क्रम लिखना है तो सबसे पहले आपका क्लोरोमेथेन होगा जिसका सबसे कम क्वथनांक होगा, फिर ब्रोमोमेथेन होगा जिसका उससे ज़्यादा होगा, फिर डाई ब्रोमोमेथेन थोड़ा उससे और ज़्यादा, और ब्रोमोफार्म का सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा, यानी कि यही इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है। ये देखिए क्या है, ये भी आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर्स में दिया गया है। देखिए क्या है, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना है स्टूडेंट कि प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाते हैं, उसका सिर्फ रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख सकते हैं लेकिन रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रयोगशाला में फिनॉल अगर हमें बनाना है तो प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। यानी कि अगर हमें प्रयोगशाला में फिनॉल बनाना है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा हमें, और उसका भाप आसवन करना पड़ेगा, उसकी क्रिया हमें H2O से करानी होगी जो कि हल्का वाष्पित हो भाप ठोस में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा रिएक्शन की सहायता से, तो समझिए इसको कि कैसे बनाते हैं हम। तो देखिए रिएक्शन, अब रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, पहले आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना होगा जो कि होता है C6H5N2Cl, ठीक है, N2Cl। अगर यही N2 नहीं होता तो ये क्लोरोमेथेन हो जाता, ठीक है। तो C6H5N2Cl होता है स्टूडेंट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला। अब हमें करना क्या है, इसका भाप आसवन, जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाते हैं हम क्या, फिनॉल। तो हमें इसकी अभिक्रिया करा देनी है H2O से, ठीक है। अब जब हमने इसकी H2O से अभिक्रिया कराई तो गिब्स आउट हमें यहाँ पर लगाना है, और हमें जो बनाना था वो बन जाएगा फिनॉल C6H5, हम ऐसे ही देने देंगे C6H5, और हमें लिखना है OH जो कि फिनॉल बन जाएगा। तो देखिए C6H5 यहाँ से गायब हो गया, एक वो यहाँ से, एक यहाँ से H, ठीक है, गायब हो गया। तो समझिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए बच्चा क्या N2 बचा, तो प्लस N2 हम लिख देंगे,
ठीक है। और हमारा क्या बचा, एच सी एल बचा। देखिए यहाँ से एक एच हमने लिया था ओ एच, ठीक है, एक एच अभी बचा हुआ, तो एच ये और सी एल ये, यानी कि एच सी एल हमने यहाँ पर लिख दिया। हम इसे सोचे बैलेंस करने करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए कार्बन कितना है, सिर्फ छः है यहाँ पर, देखिए छः है। हाइड्रोजन पाँच और दो सात, यहाँ पर देखिए पाँच एक छः और एक सात, ठीक है। नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन यहाँ पर भी दो, और क्लोरीन एक, यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, यानी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दोनों के मॉलिक्यूल समान है। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। इसका नाम है जल, इसका नाम है स्टूडेंट फिनॉल, और आपका ये जो है स्टूडेंट ये है N2 जो कि एक गैस है, और HCl भी एक गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार HCl एक अम्ल है, ठीक है, तो ये आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट ये पांच जो क्वेश्चन थे आपके पांच अलग अलग चैप्टर से थे, ठीक है। तो अब हम तीसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका नाम है स्टूडेंट स्मिथ अभिक्रिया को समझाइए। स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं स्मिथ अभिक्रिया होती क्या है, एमीन चैप्टर में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, यहां पर भी मैं बताऊंगा। देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्मिथ अभिक्रिया में बता रहा हूं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, जिसका सूत्र होता है बच्चों N3H हाइड्रोजोइक अम्ल का, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन बनेगी, और इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे स्टूडेंट हाइड्रोजोइक अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि स्मिट अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम रिएक्शन समझते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा स्टूडेंट क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आपको पहचानना है तो वहां पर COOH लिखा होता है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें लगा होगा, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस N3H नाम तो सुना होगा अभी मैंने ऊपर बताया, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। अब हम क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे दोनों की, किसकी उपस्थिति में स्टूडेंट, H2SO4 की उपस्थिति में। अब बनेगा क्या, इसको सीखते हैं, स्टूडेंट यहां पर आपका बनेगा R यानी कि एल्किल, ठीक है, और NH2 प्लस CO2 और प्लस N2, इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन फाइनल होगा। ये गैस है, ये भी गैस है। देखिए समझिए हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई है। देखिए ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये आपका है हाइड्रोजोइक अम्ल। यहां पर थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल है, इसका नाम यही है। तो जब हम स्टूडेंट किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो बनती है हमारी ये स्टूडेंट प्राथमिक एमीन। ये जो बनेगी ये प्राथमिक एमीन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा वैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए आर हमारा कितना है, एक, सिर्फ यहाँ पर हमने एक लिखा है, ठीक है, प्राथमिक एमीन बनेगी यानी कि एक कार्बन आपका यहाँ पर होगा, अच्छे से मैंने इसको भी समझाया है। देखिए अब देखिए एन कितना है, एन है यहाँ पर स्टूडेंट एक, यहाँ पर देखिए तीन है, यहाँ पर देखिए एक और दो, ये तीन यहाँ पर भी है, ठीक है। सी कितना है, सी देखिए स्टूडेंट सी यहाँ पर सिर्फ एक है, सी यहाँ पर भी एक है। अब देखिए आगे क्या बचता है, ओ कितना है, दो ओ है, यहाँ पर भी दो ओ है। अब कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सभी कुछ यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। एच कितना है, एच एक और एक दो है, एच यहाँ पर भी दो है, यानी कि ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगी, और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो ये एक प्राथमिक एमीन बनाने वाली अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है क्यों, यानी कि एथिल एमीन जो होती है इसका फार्मूला होता है C2H5NH2, ये होता है एथिल एमीन, तो ये क्षारीय प्रकृति की क्यों होती है। तो कारण समझिए, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है। एक छोटे से
फॉर्मेट में अगर समझा जाए तो जो नाइट्रोजन इसमें एक होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके यहाँ इसके ऊपर जो है स्टूडेंट एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पाया जाता है, जो कि स्टूडेंट इसी के कारण क्या होता है एथिलमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने की उपस्थिति के कारण एथिलमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ये इसका सिंपल सा कारण है, ऐसे आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर कोई पूछता है तो, या फिर एग्जाम में आता है तो। हमारा पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जैव अणु चैप्टर से, ये वो है स्टूडेंट की कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, एनसीईआरटी बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए। देखिए क्या कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को आपको परिभाषित करना है तो कैसे कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवक घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, यानी कि स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया ग्लूकोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ठीक है, तो देखिए बताया क्या जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ध्रुवक घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, और या फिर आप दूसरी भाषा में इसका जवाब दे सकते हैं, ये तो आपका एक डिफिनेशन इधर हो गया। दूसरा है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखिए इसी में आपका दो डेफिनेशन है, पहला है कि कार्बोहाइड्रेट ध्रुवक घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, दूसरा है वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे देखिए अब पहला हम समझते हैं कि ग्लूकोज यहाँ पर मान लीजिए है, तो जब आप ग्लूकोज की संरचना वही से बनाएंगे तो आपको जो है स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड मिलेंगे, कुछ CHO ग्रुप के भी मिलेंगे, ठीक है, तो इन सबसे मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, सेलुलोज का ही एग्जाम्पल्स इसमें है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी अलग उत्तरीय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो न्यू वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।